Hello, a very good evening to everybody. So welcome to another class on CPC. Today we will be learning on transfer of cases from one court to another, and what principles and what sections and what orders and what rules are being governed when transfer is taking place. ठीक है, तो a suit has been filed in a court. ठीक है ना? Now what defendant can do is डिफेंडेंट कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन इन अ पर्टिकुलर कोर्ट. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि किस कोर्ट में फाइल होगा. ठीक है, देन उस कोर्ट उस पर सुनवाई होती है. देन द कोर्ट हियर्स ऑन प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, इट फ्रेम्स द इशूज की वॉट एग्जैक्टली इज द इशू, डिफेंडेंट कहाँ पे इसको ट्रांसफर करने को कह रहा है और क्यों करने को कह रहा है. उसके बाद उस पर डिग्री दी जाती है, उस पर जजमेंट आता है कि यहाँ पे ट्रांसफर कर देना चाहिए. ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन कैन डिफेंडेंट रेज द ऑब्जेक्शन. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज at the earliest possible opportunity and before settlement of issue. ठीक है, settlement of issue किस issue की बात हो रही है? जो issue की transfer होना चाहिए या नहीं, इस issue को frame करने का जो एक question frame करा गया है उसको answer करने के पहले. ठीक है, defendant can raise this objection. ठीक है, and the second ground is when there has been a consequent failure of justice. ठीक, अब question ये है कि ट्रायल कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन पे डिसमिस कर दिया. ठीक है, तो उसने कहा कि जुरिस्डिक्शन इज परफेक्टली फाइन. ठीक, और उस पर ट्रायल भी कंडक्ट कर दिया और डिग्री दे दी. देन द लूजर ऑफ द डिग्री विल गो टू द एपेलेट कोर्ट, रिवीजन कोर्ट, रिव्यू कोर्ट, जो भी अपील पे जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एपेलेट कोर्ट जो होगी दैट विल नॉट एंटरटेन द जुरिस्डिक्शनल इशू पार्ट. ठीक है, वो कहेगा कि यू शुड हैव रेज्ड दिस इशू एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. अगर वो चाहता है कि एपलेट कोर्ट इसकी इस इशू को सुने, देन ही हैज टू सेटिस्फाई द कोर्ट ऑफ द टू थिंग्स. ही हैज टू सेटिस्फाई दैट द ऑब्जेक्शन वॉज टेकन एट द करेक्ट टाइम, एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप ट्रांसफर नहीं करेंगे देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. ठीक है ना? नाउ वी विल गो सम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस. सेक्शन 22 से 25 के बात करते हैं हम लोग. ठीक है, सीधे इसको हम लोग लेट अस स्टडी विद द एग्जांपल्स. ठीक है ना? नाउ 20 यहां से देखते हैं. 22, व्हाट डस 22 सेज? राइट टू फाइल फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट. डिफेंडेंट हैज दिस राइट टू फाइल फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट. ठीक है, नाउ अगर दो जगह पे केसेस चल रहा है, ठीक है, then transfer can be filed at only one of those courts. ठीक है ना? अगर आप let's say कि दिल्ली में कोई केस चल रहा है and बैंगलोर में कोई केस चल रहा है, ठीक है, दोनों is regarding same cause of action, same everything, तो आप चाहते हैं कि दोनों किसी third place पे transfer हो जाए, then either in बैंगलोर or in दिल्ली you file a suit for transfer petition. ठीक है, after filing a suit for transfer petition you have to give notice to the defendant that transfer petition has been filed. ठीक है, Now, section 23 क्या कहता है? To which court application of transfer should lie? ठीक है, कहाँ पे lie करता है? ठीक है? Now, अगर कोई इलेक्ट से कोई court है CJ1, ठीक है? कोई court है CJ1 और यहाँ पे कोई suit चल रहा है, suit is filed, ठीक है? He wants to transfer to CJ2, CJ2 को transfer करना है, ठीक है? Now, where will that transfer application lie? Transfer application will lie to the immediate senior of these two courts. ठीक है, डेट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, मतलब सीजे कोर्ट, एफ आई एम अज्यूमिंग कि एनी कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट है तो उसका सुपीरियर डीजे होगा, तो वहां पे डीजे कोर्ट के यहाँ ट्रांसफर पिटीशन डाली जाएगी. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस कि राजस्थान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, एक डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर. ठीक है ना? इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम सीजे वन जयपुर टू CJ1 जोधपुर, then you can file the transfer petition at Rajasthan High Court. ठीक है, क्योंकि वो राजस्थान हाई कोर्ट के दोनों ही सबॉर्डिनेट है, तो इसलिए आप राजस्थान हाई कोर्ट पे जाएंगे. ठीक है ना? Now understand one thing, यहाँ पे जयपुर में CJ1 पे एक कोर्ट है, ठीक है, और लखनऊ के CJ1 पे दूसरा केस चल रहा है. ठीक है, एंड बोथ दीज जो कोर्ट्स हैं, बोथ दीज कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ जोधपुर, जयपुर एंड लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है ना? तो सेक्शन 23 क्लॉज 3 क्या कहता है? टू ट्रांसफर फ्रॉम CJ1 जयपुर टू CJ1 लखनऊ,
फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर स्टेट सूट वॉज फाइल्ड, ठीक है, सीजे वन में केस फाइल करा गया था एंड यू हैव टू ट्रांसफर टू सीजे वन ऑफ लखनऊ, ठीक है, सीजे वन जयपुर में केस फाइल करा था एंड यू हैव टू फाइल ट्रांसफर दैट टू सीजे वन लखनऊ। 23(3) से इसकी आपको ट्रांसफर पिटीशन राजस्थान हाई कोर्ट में डालनी पड़ेगी क्योंकि सूट वॉज फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान दैट इज जयपुर। बट यहां पे एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू सेक्शन 25, ठीक है। सेक्शन 25 क्या कहेगा, यहां से पढ़ते हैं, ये केस था दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री, उसमें सेक्शन 23 क्लॉज 3 को नल एंड वॉइड कर दिया और सेक्शन 25 को एक अपर हैंड दिया, कहा कि हाई कोर्ट कांट ट्रांसफर सूट और अपील फ्रॉम इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन टू अदर हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि अपने ज्यूरिसडिक्शन से हटा के किसी और हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को भेज दिया जाए, ठीक है ना। पावर टू ट्रांसफर सूट्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट lies only with Supreme Court under Section 25 and this is very important. Section 23 Clause 3 is redundant to that effect. ठीक है ना? Now ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब ये हम लोगों ने Section 25 देख लिया कि Supreme Court के पास power है कि you can transfer from one district जो अलग state में है to another district जो अलग state में है, ठीक है ना, तो Supreme Court के पास जाएगा। If I want to transfer पेटिशन फ्रॉम लेट से इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है कोई, ठीक है, वहां से इफ आई हैव टू ट्रांसफर टू पांडिचेरी, ठीक है, और केस फाइल हुआ था इलाहाबाद में, तो देन आई हैव टू फाइल अ ट्रांसफर पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यू विल नॉट फाइल अ केस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड से कि सर यहाँ पे चूंकि मैंने फाइल करा था दैट इज वाई आई एम फाइलिंग अ ट्रांसफर पेटिशन हियर, ठीक है। नाउ सेक्शन 24 जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें कहा गया पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट की सूट ट्रांसफर करके वो क्या करते हैं उसका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।